bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum i hope you all are fine and staying safe and happy i am your science teacher Ms. Farheen, and i welcome you all to your science class my dear students as you know that we are on chapter number five and the name of our chapter is forms of energy and energy transfer today i am going to deliver its first lecture and the lecture is about energy and its resources energy resources सो माई डियर स्टूडेंट लेट स्टार्ट द लेक्चर विद एन एक्टिविटी सो क्विकली लुक एट दीज पिक्चर्स एंड आंसर दैट इज एनर्जी एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क यानी कि कोई भी वर्क अगर आप कर रहे हैं चल रहे हैं फिर रहे हैं खा रहे हैं बोल रहे हैं इसके अलावा आप मुख्तल चीजों को वर्क करते हुए देखते हैं जैसे कि पंखा चल रहा है एयर कंडीशनर चल रहा है हर चीज को काम करने के लिए एनर्जी की ही जरूरत होती है so इज is एनर्जी एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क वेरी गुड ओके now what आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सो आपके इर्द गिर्द मुख्तलि sources of energy कौन से है Pictures को जरा गौर से देखें Sun is the source of energy. आपको light मिलती है इससे heat मिलती है So energy, sun is a source of energy. ठीक है इसके अलावा हवा जब चलती है ठीक है तो इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हीट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी सो दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी सो है यू कैन सी वाटर इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है क्योंकि फ्लोइंग वाटर जो है इसके अंदर एनर्जी होती है सो so एनर्जी जो है पानी में भी एनर्जी होती है ओके माई डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है इसके अलावा जो पौधे हैं ये अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में सो so, एनर्ज सन की एनर्जी जो है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है एंड इट इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ एंड देन यू कैन सी फ्लोइंग वाटर इससे बिजली पैदा की जाती है हवा हवा से भी बिजली पैदा की जाती है क्योंकि मूविंग विंड जो है उसके अंदर भी एनर्जी होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो इसका मतलब है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है यू कैन सी कोल इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन यू कैन सी ऑयल ऑयल से भी जो है आप डिफरेंट व्हीकल्स जो है इनको चलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं सो दीज आर ऑल डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी अराउंड आस इसके अलावा गैस जो है ये हमारे चूलों में जलती है और ये भी जो है हमें आ, गर्म करती है इसके अलावा खाना बनाने में भी मदद करती है सो माई डियर स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ एनर्जी द सन फ्लोइंग वाटर विंड कोल ऑयल एंड गैस अभी मैंने आपको तमाम सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उनकी पिक्चर्स दिखाई हैं क्योंकि हम ये प्रीवियस क्लासेज में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है सो so, आपने पढ़ा सन है विंड है वॉटर है कोल है ऑयल है गैस है दीज ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिससे हम डेली बेसिस पे बहुत सारा जो है वो फायदा उठाते हैं या फायदा हासिल करते हैं सो लेट्सिव सो सन अ अग लाइट एंड द मून अटर्म फ्रॉम इट्स दैट यू मे नो द नंबर ऑफ इयर एंड अकाउंट ऑफ टाइम ज नॉट क्रिएटेड ही पीपल हु नो सो माई डियर स्टूडेंट अल्लाह तला ने रोशनी जो है वो हमें हमारे लिए बनाई है ताकि हम देख सकें इसके अलावा सूरज के जो सूरज की रोशनी जो है उससे हम फायदा उठाएं जैसे कि दिन आता है उसमें ज्यादा रोशनी होती है फिर रात आ जाती है जो कि हमारे आराम के लिए है तो रोशनी के आने और जाने से देखिए हम कितने ज्यादा जो है अपना टाइम और अपना दिन जो है उसके हिसाब से जो है हम गुजारते हैं इसके अलावा जो है वो महीने तब्दील होते हैं इसकी वजह से चांद मून के जो डिफरेंट फेजेज हैं वो भी लाइट की वजह से जो है वो चेंज होते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टू वर्ड द प्री रीडिंग क्वेश्चन क्विकली टेल मी हाउ डज सन हेल्प अस टू फाइंड एनर्जी सूरज से हम कैसे जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं ट हेल्प अस टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अलावा पौधे जो हैं इसकी मौजूदगी में अपना खाना तैयार करते हैं ये हमें रोशनी देता है ये हमें गर्म रखता है पौधों को ग्रो करने में हेल्प करता है सो so, इस तरीके से हम एनर्जी से सन uh, की एनर्जी से मुख्त हासिल करते हैं वट टाइप ऑफ एनर्जी कोल एंड नेचुरल गैस गेवास दे प्रोवाइडस विद इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट की जाती है हीट एनर्जी भी जनरेट की जाती है इसके अलावा uh, जो ऑयल है नेचुरल गैस है इससे इससे हम खाना पकाने में भी इसकी uh, मदद से हम खाना भी बनाते हैं ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर रीडिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर सिक्सटी सेवन इन योर साइंस फोर बुक्स आई होप एवरीबडी हैज ओपन द पेज सो नाउ लेट्स क्विकली टेल मी दैट व्हाट इज एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क वेरी गुड सो व्हाट आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी अभी हमने जल्दी से रिवाइज किए थे क्विकली टेल मी सन एयर वाटर कोल ऑयल गैस डीज ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सो वट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट फूड टू गेट एनर्जी क्योंकि हमें खाना चाहिए पानी पीते हैं हम खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम अपने डेली बेसिस पे मुख्तलिफ काम करते हैं इसके अलावा प्लांट्स कैसे एनर्जी हासिल करते हैं दे टेक द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड एन द द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस हम पढ़ चुके हैं ये सब ठीक है सो दीज आर द दोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ओके माय डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट द रीडिंग पुट योर फिंगर्स वेयर आई विल रीड एनर्जी एंड इट्स सोर्सिस energy is the ability to do work not only living organisms work but non-living machines also do work however non-living things need energy from external sources to perform their functions from the following sources we obtain this energy so my dear students energy because energy is the ability to do the work कि जो एबिलिटी है जो सलाहियत हम में पैदा होती है वो किस वजह से होती है वो एनर्जी की वजह से होती है ये एनर्जी कहां से आती है लिविंग थिंग्स जो है वो अपनी एनर्जी जो है प्लांट्स अपनी एनर्जी जो है वो सूरज से हासिल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है वो खाने से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो है इनको भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए लेकिन ये खाना खा के अपनी एनर्जी नहीं बनाते इनको एक्सटर्नली एनर्जी की जरूरत होती है और वो एक्सटर्नल एनर्जी इनको कहां कहा से मिलती है लेट्स हैव दे फ्रॉम सन फ्लोइंग वाटर, विंड कोल ऑयल नेचुरल गैस ठीक है सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सो लेट्स टॉक अबाउट सन द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ सन इज अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन जो है वो तमाम का मंबा है सूरज के अंदर तमाम की एनर्जी है लाइट भी है हीट भी है इलेक्ट्रिस नहीं होगा तो पौधे ग्रो नहीं करेंगे पौधे ग्रो नहीं करेंगे तो जानवर नहीं होंगे जानवर नहीं होंगे तो इंसान भी नहीं होंगे सो सन इज दिन सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तमाम एनर्जीज जो है वो सन से कनेक्टेड है द सन गिवस टू एनर्जीज एट द लार्जेस्ट स्केल हीट एनर्जी लाइट एनर्जी सो सबसे बड़ी जो एनर्जी ये हमें प्रोवाइड करता है वो है हीट और लाइट हीट एनर्जी मेंटेन्स वेदर ऑन द अर्थ एंड क्लाइमेट पैटर्न बाय प्रोवाइडिंग ए प्रोपरीट टेम्परेचर सो सन जो हमें हीट प्रोवाइड करता है इसकी वजह से अर्थ पे एक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है क्लाइमेट मेंटेन रहता है प्लान लिवेबल और सूरज की वजह से ही जो प्लानट है यहां पर लाइफ मुमकिन है लाइट एनर्जी हेल्प प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड फॉर लिविंग वर्ल्ड अब जो लाइट एनर्जी है इसकी वजह से प्लांट्स जो है वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं हीट एनर्जी रन ऑन मशीन्स वी कन्वर्ट हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जीज यूजिंग सोलर सेल्स सो जो सूरज की गर्मी है जो इसकी हीट है उससे एक और एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है विच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर हम डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज करते हैं और कैसे ये एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है सोलर सेल्स होते हैं जो कि हीट को स्टोर करते हैं सूरज की हीट को और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं फ्लोइंग वाटर फ्लोइंग वाटर ऑल्सो हैज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इट ठीक है फ्लोइंग वाटर प्रोजेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी डैम्स एंड So, आर बिल्ड फॉर flowing water फ्लोइंग है इसके अंदर भी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और इस एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जिसको हम फिर इस्तेमाल करते हैं बिजली बना मुख्तलिफ हम अपने डेली बेसिस पे पंखा चलाने के लिए लाइट ऑन करने के लिए और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ कामों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और कैसे जो है वो पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है थ्रू डैम्स एंड बिराजेस द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज विंड एनर्जी इन द विंड इज ट्रांसफॉर्म इन टू इलेक्ट्रिसिटी अब दोबारा विंड की एनर्जी जो है मूविंग विंड जो है इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है विंड मिल्स आर एस्टेब्लिश फॉर दिस पर्पज विंड टर्न द ब्लेड ठीक है अब विंड मिल्स जो है वो बनाई जाती है और हवा जो है जब उनके ब्लेड को तेजी से मूव करती है की मदद से तेजी से मूव होते हैं और जब यह मूव होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसकी मदद से द मूवमेंट ऑफ ब्लेड मूव द टर्बाइन दैट रन द जेनरेटेड टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी अब मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स जो है इनके जब इसके जो ये ब्लेड्स जो पंखे हैं जब ये तेजी से मूव करते हैं तो उसके बाद जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं तो इस तरीके से हवा जो है वो विंड मिल्स को चलाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कोल कोल बर्न्स टू गिव हीट एनर्जी एंड द डोमेस्टिक लेवल एट द डोमेस्टिक लेवल इट फेसिलिटेट कुकिंग ऑइल एट अ लार्जर स्केल इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी सो कोयला जो है इस को भी जलाकर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है एंड इट प्रोड्यूस हीट एनर्जी और डोमेस्टिक लेवल पे ये हमारी कुकिंग प्रोसेस को जो है वो फैसिलिटेट करता है और इसके अलावा लार्जर स्केल के ऊपर कोल से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है सो है यू कैन सी कोल हैज फोर टाइप्स पीट लिग्नाइट बिटुमिनियस एंड एंथ्रासाइड सो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ कोल नी के इन चार हालतों में हमें कोयला मिलता है ठीक है पीट लिग्नाइट वाइटोमेनियस एंड एंथ्रासाइट नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पेट्रोलियम ऑयल द एनर्जी दैट रन वहीकल इज ऑयल वहीकल यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेट्रोलियम बसेस रन ऑन डीजल मोटर बाइक्स यूज पेट्रोल कार यूज बाय हाई ऑक्टेन फर्नेस ऑयल जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्जर स्केल वेयर एज जनरेटर्स आर यूज फॉर दिस पर डोमेस्टिक लेवल सो माई डियर स्टूडेंट्स एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो पेट्रोलियम ऑयल है यानी कि जमीन से निकलने वाला खाम तेल और ये मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है जैसे कि ये हमारे मुख्तलिफ जो वहीकल्स हैं उनको बसों को और गाड़ियों को चलाता है जैसे कि जो बसेज हैं वो डीजल इस्तेमाल करती हैं मोटर बाइक्स जो हैं वो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं कार जो है वो हाई ऑक्टेन इस्तेमाल करती हैं इसके अलावा फर्नस ऑयल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इस्तेमाल होता है और आपके जो डोमेस्टिक uh, लेवल पे घरों में आपके एक्से जनरेटर मौजूद होता है जिसमें आप ऑयल को डालते हैं डीजल या पेट्रोल को और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है नेक्स्ट इज गैस नेचुरल गैस लाइक ऑयल इज वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल इट्स एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द अर्थ इट इज नॉन रिन्यूएबल एंड कैन नॉट बी जनरेटेड एट द रेट ऑफ इट्स कंबशन

तो ये दोबारा रिन्यू नहीं हो सकती यानी कि दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती वंस इट इज़ गॉन इट इज़ गॉन तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम इनको कंजर्व करके रखें और इससे भी जो है वो कुकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है हीट रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है आप अपने गीज़र ऑन करते हैं खाना बनाते हैं हीटर्स में इसको जलाते हैं Billions of years ago, ago, planet Earth was home of home to plants, dinosaurs, and other animals only. Due to flood and storms, these plants and animals fell and died. During the next passing years, they went into burial under mud and debris. The pressure and high temperature went on and increased for millions of years and transformed these plants into coal and animal into oil and gas. That's why they are called fossil fuels. So, my dear students, coal. ऑयल और नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहा जाता है क्योंकि हजारों साल पहले जब इंसान नहीं होते थे तो वहाँ इस जमीन पर बहुत बड़े बड़े जंगलात थे डायनासॉर्स थे बड़े बड़े जानवर थे तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता दे डाइट तो वो जो है वो जमीन के अंदर दफन हो गए और उनको जो है वो मिट्टी ने और पत्थरों ने कवर कर लिया वक्त के साथ साथ उनके ऊपर मिट्टी की और पत्थरों की लेयर बढ़ती गई जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर बिल्ट होता रहा और फ्टर थाउज ऑफ इयर्स दे कन्वर्टेड इंटू ऑयल द प्लांट्स कन्वर्टेड इंटू कोल एंड द एनिमल्स कन्वर्टेड इंटू ऑयल एंड नेचुरल गैस इसी वजह से इनको फॉसल फ्यूल्स कहा जाता है क्योंकि ये फॉसल से बने हुए हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के फॉसल से ये बने हुए हैं सो अब इसी पे हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह जो है कोल ऑयल और नेचुरल गैस जो है ये फॉसल फ्यूल्स हैं और ये बने थे Where are the coal, oil and natural gas deposits located in Pakistan? Search on the internet for the information related to their location, province and quantity. So, my dear students, अब हम सबसे पहले तो ये चीज देखेंगे कि पाकिस्तान में आपको ये सर्च आउट करनी है चीज आप अपनी टीचर की हेल्प से सर्च आउट कर सकते हैं मैंने आपके लिए ऑलरेडी इसको सर्च करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में fossil fuels जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और उनका कितनी रेट में वो हमें यानी कि कितनी आ, 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 कितना वो हमें वहां से हासिल हो रहा है उस प्रोविंस से इसके अलावा स्टडी द पिक्टोरियल फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑन द इंटरनेट एंड बुक फ्रॉम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपेयर अ चार्ट इसके अलावा आपने पिक्टोरियल स्टडी करनी है कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने थे मैं आपको ये भी दिखाती हूँ सबसे पहले हम देखते हैं द सुई गैस फील्ड इज द सुई एक मकाम है जो कि बलूचिस्तान में है द सुई गैस फील्ड इज द बिगेस्ट नेचुरल गैस फील्ड इन पाकिस्तान इट इज लोकेटेड नियर सुई इन बलूचिस्तान ठीक है इसीलिए सुई गैस नेचुरल गैस जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिलती है उसको सुई कहा जाता है क्योंकि ये सुई के मकाम से बलोचिस्तान में एक्सट्रैक्ट की जाती है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है फील्ड है नेचुरल गैस प्रोडक्शन होती है यहाँ से द गैस फील्ड वॉज डिस्कवर्ड इन द लेट नाइनटीन एंड द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फील्ड बिगिन इन नाइनटीन सुई गैस फील्ड अकाउंट फॉर सिक्स ऑफ द पाकिस्तान गैस प्रोडक्शन सो डियर स्टूडेंट्स में ये गैस जो है यहां से सबसे पहले इसके रेजर मिले थे रिजर्व हुई भी होती है गैस और ये दोबारा नहीं बनती एक दफा ये खत्म हो जाए दोबारा इस गैस को बनने में हजारों साल लगेंगे ठीक है तो ये रिजर्वयर 1952 में यहां से मिला 1955 में इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ और ये है पाकिस्तान की 6 परसेंट जो है वो नीड को पूरा करता है ओनली 6 परसेंट okay? ओके ओके okay, नाउ हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कैसे बनते हैं सो इन द फर्स्ट पिक्चर टॉप मोस्ट पिक्चर यू कैन सी दैट अर्थ वाज वंस कवर्ड विद और एनिमल्स होते थे यहां पर तो क्या हुआ ह्यूज फॉरेस्ट ग्रू अराउंड 300 मिलियन इयर्स अगो दे कवर्ड मोस्ट ऑफ द अर्थ तो ये जो है ये अर्थ को मोस्टली जो है इन्होंने कवर किया था सो वॉट हैपन नेक्स्ट द वेजिटेशन डाइड एंड टर्न इन पीट सो क्या हुआ जब ये वेजिटेशन डेड हो गई

प्रेषर एंड द टेम्परेचर वेंट ऑन एंड ट्रांसफॉर्म पीट इन टू कोल ठीक है और इस तरह से पीट जो है वो कोल की मुख्तलिफ फॉर्म्स जैसे कि लिग्नाइट है एंथसाइट है इनके अंदर चेंज होता गया जिस तरह प्रेशर इसके ऊपर डिवेलप होता गया आ, आ, उसी तरह से जो है ये कोल की डिफरेंट फॉर्म्स जो है यह उसमें कन्वर्ट होता गया सो डेड वेजिटेशन एंड प्लांट्स कवर्ड विद मड रॉक्स एंड प्रेशर एंड हीट turned them into oil natural gas and coal now is the time for evaluation so my dear students quickly tell me what is energy what are natural sources of energy so energy is the ability to do the work the natural sources sources of energy is sun wind air water coal natural gas and oil what types of energy do sun give sun gives us light and heat so what type of energy we get from coal and natural gas so coal and natural gas provides us with heat and they also help to generate electricity so what type of energy we get from water and in what ways okay water gives us electrical energy and it is generated through dams and barrages what type of energy do petroleum gives us so it helps us to uh, move our vehicles and it also generates electricity

किसको जो है हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी जो है वो एक दफा खत्म हो गई तो दोबारा यूज नहीं हो सकती सो कोल नेचुरल गैस आर एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज रेस्ट विंड वाटर एंड सन आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वट राइट डाउन द टाइप्स ऑफ एनर्जी वी गेट फ्रॉम दीज सोर्सेज ठीक है अब इनसे आप कौन कौन सी सोर्सेज है वो एनर्जी के हासिल करते हैं फ्रॉम सन वी गेट Heat, light, and electricity. From coal, we get heat and electricity. From oil, we get uh, heat and electricity. From wind, we get electricity. From water, we get electricity. So, this is how you will pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now, let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 1 and question number 4 in section B, page number 79. So, question number 1 and question number 4. सो हाउ कैन फ्लोइंग वॉटर बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो वॉटर चलता हुआ पानी है वो कैसे हमारे लिए एनर्जी सोर्स बन सकता है आपको यह लिखना है दे नेम द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वी ऑप्टेन फ्रॉम फॉलपिंग सोर्सेज सन कोल वॉटर पेट्रोलियम नेचुरल गैस वेंड सो यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द बुक नोटेड डाउन इन यूर नोटबुक एंड द रैपअप सो माई डियर स्टूडेंट्स एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क वी गेट एनर्जी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इक सन वॉटर विंड कोल्ड पेट्रोलियम एंड नैचुर गैस सन गिव्स अस हीट एंड लाइट एनर्जी विंड एंड वॉटर गिवस आस गिव अस एनर्जी दैट कन्वर्ट इंटू दैट इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी सो माई डियर स्टूडेंट्स आज हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है वो एनर्जी Uh, सूरत से और मुख्तलिफ जो ज़रा हैं हम उनसे हासिल करते हैं और उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कोल uh, से पेट्रोलियम से और इन तमाम चीज़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी हीट और लाइट जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू हैव एंजॉय इन्जॉय टेज लेक्चर कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ हैव ए गुड डे थैंक यू सो मच एंडहा